नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर पार्ट 3। यानी इससे पहले मैंने दो लेक्चर बनाए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा आरएफ ट्यूनिंग और मिक्सिंग स्टेज थी, जिसके अंदर एंटीना टीवी सिग्नल को कैच करता है, फिर या तो अगर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा ऑसिलेटर की सहायता से, या अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल है तो वो आरएफ ट्यूनिंग स्टेज पर जाएगा और फाइनली फिर मिक्सिंग से हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेंगे। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का क्योंकि हम हमारे EL206 में सुपर हिटोडाइन रिसीवर हम पढ़ चुके हैं कि उसकी सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी बेटर होती है, तो इसलिए हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और आरएफ ट्यूनिंग स्टेज में जो आरएफ ट्यूनर है उसमें ऐसा सर्किट होता है कि वो डिजायर्ड सिग्नल को तो पास कर देगा और जो अनडिजायर्ड सिग्नल है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये तो हमारा था पार्ट 1 स्टेज। फिर पार्ट 2 स्टेज में हमने देखा था कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से होते हुए हमारा डिटेक्शन यानी डीमॉड्यूलेशन। अब क्योंकि ये टीवी सिग्नल है तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल प्रेजेंट है, तो ऑडियो सिग्नल के लिए हमें AM डीमॉड्यूलेशन की जरूरत थी और वीडियो सिग्नल के लिए हमें ऑडियो सिग्नल के लिए हमें FM डीमॉड्यूलेशन की जरूरत थी और वीडियो सिग्नल के लिए हमें AM डीमॉड्यूलेशन की थी, जिसमें हमें ऑडियो और वीडियो सिग्नल को सेपरेट करने के लिए हमने ट्रैप सर्किट यूज किया था जो कि 5.5 मेगाहर्ट्ज पे काम करता था और उसके बाद में सिग्नल फाइनली पिक्चर ट्यूब में पास हो रहा था। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जो तीसरी जो आखिरी स्टेज है वो है हमारा सिंक एंड स्कैनिंग सर्किट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप जैसे मेरे को देख रहे हैं, ये तो मेरा वर्टिकल मतलब हुआ सिग्नल और ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल हुआ। अब इन दोनों सिग्नल को सिंक्रोनाइजेशन यानी दोनों को रिदम में लाने के लिए हमें इस सर्किट की यानी स्कैनिंग सर्किट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बिना हमारा जो सिग्नल है हम आउटपुट में वो प्रॉपर नहीं देख पाएंगे। तो ये तीनों पार्ट को मिला करके हमारा एक मोनोक्रोम टीवी रिसीवर बनता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। वीडियो एम्पलीफायर जो कि सेकंड स्टेज में था वहां से सिग्नल आएगा सबसे पहले सिंक सेपरेटर। दरअसल वीडियो एम्पलीफायर के अंदर हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पल्सेस हैं, यानी सिग्नल को हम पल्सेस के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये जो सिंक सेपरेटर है ये हॉरिजॉन्टल पल्स और वर्टिकल पल्स दोनों को सेपरेट करेगा। अब ये दोनों सिग्नल एक तो इंटीग्रेटर से पास होगा और एक डिफरेंशिएटर से पास होगा। हम डिफरेंशिएटर की बात करें तो डिफरेंशिएटर दरअसल आरसी हाई पास फिल्टर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटर आरसी हाई पास फिल्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल पल्सेस को अलाउ कर रहा है, और जो हमारा इंटीग्रेटर है वो आरसी लो पास फिल्टर है जो कि वर्टिकल पल्सेस को अलाउ कर रहा है। फिर इसके बाद में डिफरेंशिएटर, चलिए एक बार हॉरिजॉन्टल सिग्नल को समझ लेते हैं। जब हॉरिजॉन्टल पल्सेस जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, क्योंकि सिग्नल में नॉइसेस हो सकती हैं, उसका गेन आगे पीछे हो सकता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की जरूरत थी। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी लाइन फ्रीक्वेंसी है उसको स्टेबल करने के लिए हमें ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर पर जाता है, क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो पल्सेस हैं इससे जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर से जो सिग्नल होगा वो होगा 15625 हर्ट्ज का। जो कि इस हॉरिजॉन्टल पल्सेस से जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है उसको एम्पलीफिकेशन की जरूरत होगी, तो वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट एम्पलीफायर से जाएगा और यहां पर वो डिफ्लेक्शन कॉइल जो पिक्चर ट्यूब की डिफ्लेक्शन कॉइल है उसको जाकर के वहां पर जाकर के डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही अगर हम बात कर लें यहाँ पर इंटीग्रेटर की, जो कि आरसी लो पास फिल्टर है, उसका जो वर्टिकल आउटपुट है वर्टिकल पल्सेस है जो कि वर्टिकल ऑसिलेटर में जाएगा और वो फाइनली हमारा प्रोड्यूस करेगा 50 हर्ट्ज का सिग्नल, यानी हमारा जो वर्टिकल सिग्नल है वो 50 हर्ट्ज का होगा। और उसके बाद में सेम प्रोसीजर होगा, एम्पलीफिकेशन यानी वर्टिकल का जो आउटपुट है उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और फाइनली उसको डिफ्लेक्शन कॉइल से पास किया जाएगा। यानी वर्टिकल पल्स को हमने अलग कर लिया, उससे हमने वर्टिकल ऑसिलेटर की सहायता हमने नया सिग्नल ले लिया 50 हर्ट्ज का। ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल सिग्नल देख लिया और हॉरिजॉन्टल सिग्नल 15625 हर्ट्ज का लेकर के हमने
उसका आउटपुट से एम्पलीफाई करके फाइनली हमने उसको डिफ्लेशन कॉइल में पास कर दिया। तो ये तो हुआ था हमारा मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का कंप्लीट पार्ट, जिसमें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पार्ट वन में हमने एंटीना की सहायता से सिग्नल को कैच किया, वहां पे हमने आरएफ ट्यूनिंग करी और मिक्सिंग करी, वो डिपेंड था, अगर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसको हमने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। पार्ट टू में हमने देखा कि आईएफ स्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा है और फिर साउंड सिग्नल और वीडियो सिग्नल का दोनों का अलग अलग डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। साउंड के लिए हमने एफएम डीमॉड्यूलेशन और वीडियो के लिए हमने एएम डीमॉड्यूलेशन यूज किया। फिर उसके बाद में क्योंकि हमें दोनों सिग्नल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पल्स में हमें रिदम बना के रखना है, हमें सिंक बना के रखना है, तो उसके लिए हमने सिंक और स्कैनिंग सर्किट का अलग से इस्तेमाल किया। हमारी जो सेकंड स्टेज थी हमने उसमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, और जो हमारी जो तीसरी स्टेज है, बेसिकली ये स्टेज नहीं है कि स्टेज वन स्टेज टू, ये सारा एक कंबाइन करता है, लेकिन मैंने क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। आपको अब जब एग्जाम में जब इसका सर्किट बनाना होगा, यानी ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा, तो वो पूरा बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसको तीन स्टेज में समझाएं, बस ये है कि आपको इसको तीन पोर्शन में इजी करने के लिए समझाऊं, क्योंकि ये बोर्ड भी छोटा है तो इसमें ये पूरा डायग्राम आ भी नहीं सकता था। उसके बाद में फिर हमने इसको देखा थर्ड पार्ट में, जो कि वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें हमने देखा सिंक और स्कैनिंग सर्किट का, जिसमें हमने इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की सहायता से अलग अलग सिग्नल की पल्स को हमने पास किया। तो ये तो थी बात हमारी मोनोक्रोम टीवी रिसीवर की। इससे जो अगले लेक्चर होगा उसमें हम लोग कलर टीवी, कलर पिक्चर ट्यूब, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलईडी और एलसीडी टीवी इनसे पढ़ेंगे। फिर मेरे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। और मैं अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक और एडवाइस देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कि वो जैसे भी जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, या और भी मतलब इसके अलावा चीजें हैं, वो खुद से इन चीजों को पढ़ते रहें। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिख दूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन जो पोर्शन है इसको मतलब पढ़ाने का, वो ये है कि आप इन सारे डायग्राम को, इन ब्लॉक्स को समझें और उनके बारे में लिखें। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने पिछले दो लेक्चर में भी रिपीट की थी, कि जैसे पिक्चर ट्यूब है, जैसे डिफ्लेक्शन कॉइल है, पिक्चर ट्यूब है, वो आप 203 में लिख रहे हैं, 209 में लिख रहे हैं, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ना इस तरीके का कोई क्वेश्चन अराइज होता है। और इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं रिविजन लेक्चर्स डालता रहूंगा, और जैसे ही मेरा फोन सही होगा या हमें थोड़ा से इस लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी या कोरोना वायरस का जो भी हमारा इफेक्ट कम होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा फोन जल्दी से जल्दी रिपेयर हो, फिर मैं जो भी हमारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे सेफ हों। थैंक यू।